गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 34 ऑफ योर जीके बुक, दैट इज़ वाटर, द एसेंस ऑफ लाइफ, मींस कि पानी जो हमारी लाइफ का क्या है, हमारी ज़िंदगी का सार है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है तत्व है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. वाटर इज़ लाइफ. आपको पता है वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी है. वाटर साइंस इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अगर हम वाटर साइंस को डिस्कस करते हैं, ये एक सब्जेक्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ओके, नाउ रीड द क्वेश्चंस. आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करना है एंड टिक द करेक्ट आंसर्स टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. अपनी अंडरस्टैंडिंग से उनको क्या करना है, करेक्ट आंसर में आपको क्या करना है, टिक करना है. ओके, फर्स्ट वन हमारा देखो क्या है, वट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मीन्स कि आइस का, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो किस पॉइंट पे आके मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आके आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट हमारा क्या है, वट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है कि कब जो है वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, किस पॉइंट पे आके जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है. तो इसका आंसर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट, वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज़ नोन एज. अगर देखो जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको क्या कहा जाएगा, आपको पता है उसको क्या कहा जाता है, आइस. आइस जो है वो क्या होता है, वाटर का सॉलिड फॉर्म होती है. नेक्स्ट, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ देखो जब वाटर है जो हमारे रूम में है, रूम टेम्परेचर में है, तो वाटर जो है वो कैसे फॉर्म में होगा, लिक्विड, सॉलिड या गैस. तो वाटर जो है अगर हमारे रूम के टेम्परेचर में ही है, रूम में ही है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा. ओके, नेक्स्ट, वाटर डैट इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज. वाटर जो हमारे पीने के लिए सुटेबल माना जाता है, उसको कौन सा वाटर कहा जाता है, पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर का मतलब क्या होता है, पीने के योग्य. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पोटेबल वाटर. नेक्स्ट वन इज़ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर इज़ नोन एज. देखो अगर हम वाटर को कन्वर्जन करते हैं, किस में करते हैं, वाटर वेपर में, मीन्स कि जल वाष्प में कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन, मीन्स कि वाष्पीकरण. नेक्स्ट वन इज़ विच केमिकल इज़ एडिड टू ड्रिंकिंग वाटर टू किल जर्म्स डैट कॉज इलनेस, मीन्स कि कौन से केमिकल को हमारे पीने के पानी में ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है, जर्म्स को मारने के लिए, जो कि क्या होता है, इलनेस का कारण होता है. तो वो कौन सा केमिकल होता है, क्लोरीन होती है वो. ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, स्टीम इज विच फॉर्म ऑफ वाटर. जो स्टीम है वो वाटर की कौन सी फॉर्म होती है, गैस फॉर्म होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज़ अपोजिट ऑफ इवापोरेशन. ये जो है इवापोरेशन से अपोजिट मानी जाती है, उल्टी मानी जाती है. इट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस फ्रॉम अ गैस. देखो ये तब जो है, इट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस फ्रॉम अ गैस. जब गैस, जब जो वाटर है वो गैस फॉर्म में संघनित होकर क्या कहते हैं, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और बैक इनटू अ लिक्विड फॉर्म, और वापस जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन. ठीक है, नेक्स्ट ट्रिविया, रफली 70% ऑफ एन एडल्ट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. एडल्ट की जो बॉडी होती है उसका 70% जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है, वाटर का ही बना होता है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.